अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं ये एग प्लांट्स ट्रांसप्लांट करने लगी थी। ब्रिंजल, ये वाइट कलर के एग प्लांट्स हैं, इनके मैंने सीड्स ऑनलाइन मंगवाए थे लाहौर से। तो ये देखें, ये चार प्लांट मैंने इसमें लगाए थे जब बिल्कुल छोटे छोटे 3-3 इंच के थे। तो अब माशाल्लाह ये देखें, तकरीबन 1 फिट के करीब इनकी हाइट हो चुकी है और इनको खुली स्पेस चाहिए। और ये देखें, इनकी रूट्स भी नीचे आ रही हैं। तो इनको मैं अलग अलग चार पॉट्स में लगाऊंगी। तो चलें इनको सेपरेट करते हैं। मैं निकालती हूँ पहले गमले को पटक के, तो फिर इनको एक अकेला अकेला करके नाइफ के साथ, तो फिर मैं इनको ना ट्रांसप्लांट करूँगी दूसरी। यूँ इस तरह इनके ऊपर बेस में हाथ रख के आहिस्ता से पटक के तो मैं निकाल लूँगी इनको। ये देखें कैसे इनकी रूट्स कितने अच्छे से चल रही हैं। और ये नीचे मैंने पॉट में किचन वेस्ट भर के ऊपर थोड़ी सी, इतनी ये नीचे इतना किचन वेस्ट है और ऊपर ये मिट्टी डाल के तो मैंने इनको ट्रांसप्लांट किया था। नीचे कंपोस्ट भी तैयार हो गई और ऊपर मेरे प्लांट जल गए बहुत अच्छे तरीके से। तो आजकल चूंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो इनको मैं आसानी के साथ सेपरेट कर लूँगी, क्योंकि मौसम में नमी है और प्लांट थोड़ा शॉक बर्दाश्त कर लेंगे। इस तरह से ये देखें, ये चार प्लांट तैयार हो गए मेरे पास अब। तो इनको मैं, एक को मैं इस पॉट में लगा दूंगी। इस वाले पॉट में भी मैंने कंपोस्ट बनाई थी, तो वही वाली मिट्टी इसमें है, क्योंकि जो वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं इनको कम से कम भी इतनी स्पेस चाहिए होती है जिस पॉट की या कंटेनर की हाइट जो है वो 1 फिट के करीब हो। तो चलिए जी, मेरा ये वाला प्लांट सेट हो गया, इसमें थोड़ी कंपोस्ट वगैरह और डालूंगी। तो बाकी मैं आपके साथ जी। तो दूसरा प्लांट में इधर, ये वाला मेरा तकरीबन 18 इंच का 20 इंच का पॉट है, तो इसमें सिर्फ ये एक ककुम्बर की बेल लगी हुई है। तो इसके साथ मैं एक एग प्लांट ग्रो कर दूंगी। ज़रूरी नहीं होता कि स्पेशली एक एक प्लांट के लिए एक एक पॉट ही होना चाहिए, बस खुली स्पेस हो, जहाँ जगह मिले आप ग्रो कर सकते हैं वेजिटेबल प्लांट्स ईजीली। मिट्टी पहले से मैंने इनमें अच्छी बनाई हुई है। और बाकी रही बात फर्टिलाइज़र वगैरह की, तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र और गार्डन कंपोस्ट वगैरह डालती रहूँगी, क्योंकि जो वेजिटेबल प्लांट्स होते हैं इनको ऑर्गेनिकली चलाना चाहिए, इनको केमिकली नहीं चलाना। तीसरा प्लांट मैं यहाँ पे इस जगह पे ग्रो कर दूंगी, क्योंकि क्रेट में काफ़ी खाली जगह है और मेरा प्लांट यहाँ पे बहुत अच्छे से चलेगा। साथ में इसके झुमका बेल लगाई थी मैंने 2 दिन पहले, तो आई एक साथ इसमें ये लग गया ब्रिंजल का प्लांट। जिस पॉट में भी लगाएं उनकी मिट्टी को अच्छी तरह से नरम करके, जो आपको पता है कि नरम है और आपने रिसेंटली उसको तैयार किया है पॉट को, तो ठीक है। अदरवाइज अगर कोई प्लांट लगा हुआ था, सूख गया है या वैसे ही पॉट खाली पड़ा है, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि वेल ड्रेन और
अच्छी रिच सॉइल डालें, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह को रिच सॉइल चाहिए होती है, जिसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और ये जो ब्रिंजल प्लांट है, ये तकरीबन एक प्लांट जो है ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता, ये तकरीबन 3-4 साल तक टिका रहता है, बाज़ों का तो 5 साल भी निकाल जाता है। बस ज़रा इनकी केयर और फर्टिलाइज़र वगैरह का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और टाइम पे पानी देना चाहिए, ना पानी बहुत ज़्यादा डालें ना बहुत पानी कम डालें। तो इस तरह से चारों प्लांट्स को मैं 4 अलग अलग जगह पर मैंने लगा दिया है। और वेजिटेबल प्लांट्स जो होते हैं उनको आपको पता है कि फुल सन चाहिए होता है तकरीबन 4-5 घंटे की, बल्कि इससे भी ज़्यादा 6-7 घंटे की धूप चाहिए होती है प्लांट्स को, जो वेजिटेबल्स के प्लांट्स होते हैं और फ्रूट प्लांट्स होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो बाकी पानी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस जब पॉट की मिट्टी सूखे तो पानी देंगे। तो अच्छी तरह से अपने जो प्लांट्स हैं, ये ब्रिंजल के एग प्लांट्स हैं, ये वाइट कलर के, मैंने बताया ना आपको कि वाइट कलर के प्लांट इनके एग हैं ये, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ग्रो किए हैं, आई होप कि अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तो जैसे ही फिर इन पर फ्रूटिंग या फ्लावरिंग शुरू होगी तो मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाती रहूँगी कि कैसे चल रही है मेरे प्लांट की ग्रोथ। ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।